मतलौड़ा खंड के एक गांव स्थित राजकीय स्कूल में मुखिया अध्यापिका के साथ मारपीट कर अभद्रता करने का मामला सामने आया है। मुखिया अध्यापिका ने थर्मल चौकी पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में मुखिया अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। 1 दिसंबर को वह स्कूल का दौरा कर रही थी। स्कूल में एक अध्यापक अपनी क्लास छोड़कर दूसरी क्लास में व्यर्थ की बातें कर रहा था, तो उसने इसका कारण पूछा तो उसने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और वहां से चला गया। इसके बाद उसी दिन लगभग 3:15 पर उक्त अध्यापक दोबारा कक्षा के बाहर मिला। उससे मुखिया अध्यापिका ने दोबारा से कक्षा से बाहर खड़े होने का कारण पूछा तो उसने उसके साथ मारपीट व गाली गलौज करनी शुरू कर दी। मारपीट में उसे गंभीर चोटें लगी हैं। अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा उसे छुड़वाया गया तो आरोपी ने कहा कि उसके सामने दोबारा आई तो उसे जान से मार देगा। स्टाफ के अन्य सदस्य के फोन से पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वह मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताइए उस दिन क्या हुआ था, क्या मामला आपका? जी, मैं अपने सबॉर्डिनेट टीचर को क्लास में जाने के लिए बोल रही थी, तो उसने मुझे बोला कि आपका काम कुत्तों की तरह भोंकना, आप भोंकते रहिए। तो मैं इस बात की सूचना देने के लिए प्रिंसिपल महोदय को फ़ोन करने लगी, तो उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन छीन के ज़मीन में मार दिया। मेरा फ़ोन टूट गया, फिर मुझे गलत नीयत से पकड़ के और ज़मीन में दे मारा, मेरा हाथ मरोड़ते हुए। एक बार गिराने के बाद तो मैं उठ गई सर, फिर दोबारा मेरे बाल पकड़ के मुझे दोबारा जमीन में पटक दिया और मुझे गलत जगह पर 3-4 लाते मारी, तो मुझे जान से मारने की धमकी दी, अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली गलौज किया और ऐसे करता हुआ जैसे 100 नंबर पे फोन करे तो वो स्कूल से फरार हो गया। वो स्कूल से चला गया सर। फिर मैं 100 नंबर से पुलिस आई और वो मुझे MLR कटवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल लेके गए और मेरा मेडिकल हुआ। मेरा मेडिकल होने के बाद 5 धाराओं में पर्चा दर्ज है। उससे पहले वो मेरी अप्लीकेशन चौकी में दिया कि महिला होने का आरोप लगाएंगी मैडम, तो फिर सर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, मुझे बुला के प्रताड़ित करती है पुलिस, बार बार मुझे पुलिस चौकी और थाने में जाना पड़ता है। और कल बच्चे और माता पिता भी मेरे साथ थाने में गए थे इस घटना की सूचना देने के लिए, तो वहाँ से जो मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो फाइल लेकर DSP महोदय के पास चली गई, वो थाने में मुझे नहीं मिली और मुझे बकायदा नोटिस दे के थाना मतलौडा में बुलाया गया था। तो उसके बाद फिर मैं घर आ गई सर, मुझे कोई मिला नहीं और बच्चे भी आ गए मेरे साथ घर। ग्राम पंचायत द्वारा या गांव के लोगों द्वारा कोई सहयोग आपका किया गया? नहीं जी, मेरा कुछ भी नहीं सहयोग किया गया, क्योंकि मैं स्कूल आई नहीं उस दिन के बाद, मैं आने की हालत में नहीं। हाँ, ये बताया जा रहा है कि इस अध्यापक द्वारा पहले भी कोई इस तरह की घटना? हाँ जी, उसके 3-4 मैं वैसे अपने लेवल पे भी उसको उच्च अधिकारियों को अवगत करा के और लिखित में मेरे पास है उसके, जिनमें उसने माफ़ी मांग रखी कि मैं आगे आदेशों की अवहेलना नहीं करूँगा और मैं ठीक ढंग से आपके आदेशों का पालन करूँगा। और 2019 में उसने दूसरी क्लास के एक बच्चे को बहुत बुरी तरह से मारा था, उसकी MLR भी हुई थी, तो भी मैंने गणमान्य व्यक्तियों से हाथ पैर जोड़ के उसका फैसला करवाने में उसकी मदद करी थी, तो अब उसने मेरे साथ किया। बच्चा वो स्कूल छोड़ गया था? हाँ जी हाँ, वो माता पिता उस बच्चे को यहाँ से निकाल के ले गए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।